बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम सामईन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हारून नाम का मतलब और इसकी मजीद तफसीलात क्या है। जुबान है अरबी, यानी इस नाम की इब्तदाई तारीख अरबी जुबान से निकलती है। जिन्स है लड़का, यानी इस नाम का इस्तेमाल ज्यादातर लड़कों के लिए किया जाता है। मजहब है इस्लाम, यानी इस नाम का इस्तेमाल ज्यादातर मुसलमानों में किया जाता है। ये नाम उर्दू में 5 जबकि इंग्लिश में 6 हरूफ पर मुश्तमिल है। हारून नाम का मुमकिना तौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल जिन ममालिक में किया जाता है उनमें सरफरिस्त है पाकिस्तान, नंबर 2 पर है सऊदी अरेबिया और नंबर 3 पर है UAE। हारून नाम कुरान पाक में बराह रास्त मौजूद है जिसका हवाला यहाँ लिख दिया गया है। हारून नाम का जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के लिए किया गया है। कदीम नाम होने की वजह से इस नाम के तस्दीकी मायने कहीं से साबित नहीं है। अलबत्ता कुछ गैर तस्दीकी जराए के मुताबिक इसके मुमकिन मायने हैं पहाड़, शेर और सरदार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों के लिए कोई भी नाम फाइनल करने से पहले अपने इमाम मस्जिद या किसी आलमे दीन से मशवरा जरूर करें। इसके साथ साथ आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।